और अभी तक हम लोग सिलीगुड़ी से कोशांग तक आ चुके हैं। रोड इतनी खूबसूरत है, हालांकि ऐसे इलाके में मैं पहले घूम चुका। Wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got the Haryana in the khoobsurti. चाहे कितनी भी अच्छे मेट्रो सिटी में घूम लें, पहाड़ों की जो खूबसूरती है उनकी कोई तुलना नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। ऊंचे बादलों के बीच से गुजरना, इतने ऊंचे हाइट पे शॉप घर सब कुछ, ये घर सब देखिए बनाया हुआ है, कितनी खूबसूरत। Feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours. सब आराम से दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन यहीं से टॉय ट्रेन खुलती है, यहीं से। अच्छा, यहाँ से तो बहुत सारा टॉय ट्रेन है, बट चलता एक ही है, ऐसा क्यों? नहीं नहीं, सब चलता है, ये दिन में इधर लोकल चलता है ना। कहाँ से कहाँ? अच्छा, अच्छा घूम वाला ये है। इसकी बुकिंग कैसे होती है? बता से लोग। इसकी बुकिंग कैसे होती है? ऑनलाइन बुक कीजिए। खोज रहे हैं यहीं पर से। अरे भाई, ये चीज बहुत अच्छा है कि होटल वाले ही यहाँ पे ढूंढ रहे अपने पैसेंजर को। हर जगह सब जगह। जैसे एक्चुअल में ये जो स्टेशन है ना, इसके आसपास में अगर आपको होटल मिले तो बहुत बढ़िया है, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है। अच्छा, तो ये अच्छा, मतलब घूम में मतलब अगर ये कौन सा जगह ये दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन है। अच्छा, दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन के पास अगर होटल लेते तो आप यहाँ लेते तो बहुत बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। अच्छा, वहाँ पर नहीं होगा वैसा? वहाँ तो ऊपर में है। अच्छा, तो ये सजेशन है, अगर दार्जिलिंग आए तो ये घूम है ना जगह। सुमित हेरिटेज भी था, होटल उसमें लिखा है कि जो कमरा है वो वैल्यू दिखेगा खिड़की से, मतलब पूरा पता नहीं क्या सब लिखा है, पता नहीं अब क्या करना। हमारा होटल कैसा जगह पे है, बट ये हां पेमेंट किया हुआ ना भैया, तो बता रहे हैं ऐसा तो करेंगे सर, तक मुझे नहीं पता है कि रेलवे स्टेशन के पास से कोई रिपोर्ट चोट लग जाए तो वो होटल लेते तो फिर रही है। अच्छा, दिन में ही ट्रेन चलती है क्या? क्या बोले आप पे ज्यादा अच्छा, कितने बजे तक? सुबह से 9 बजे से शुरू हो जाता है साइट सीन। अच्छा, शाम को 6 बजे तक शुरू होता है। अच्छा, साइट सीन के लिए ये वाला यूज कर सकते थे? साइट सीन ये करा देता है। अच्छा, तो क्या रुकते हैं हर जगह पे? हाँ, ये दो तीन जगह रुके आपको करेगा ना। अच्छा, टाइम देता है घूमने के लिए सर? तक नहीं का चोट लग जाएगा बेटा, दोबारा प्लान बना लेंगे। अब पकड़ के रखूंगा मैं, नहीं इनर पे फल्टी से पहन घूम रहे, देखो अब उसको देखेंगे, चाहे हम सबको देखें। मेरे पति का कहना है कि मेरे पति को ठंड नहीं लग रही है। बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे भी नहीं लग रही। ये देखो हाफ टी शर्ट में, देखो तो याद में नहीं है ये। देख लो हाँ।
ऊनी के साथ एक और जैकेट पहने हुए तो उसका क्या है? नहीं, यहाँ पे लोग कुछ लोग ना बहुत ज्यादा जैकेट मोटा मोटा ये देखिए। अच्छा यहाँ पे बस चाय पत्ती वगैरह ओरिजिनल देते हैं जो टी कौन खोल रखा है ले जाएंगे खरीद के। अभी मेरे पति 10,000 रुपए किलो खरीदे हैं चाय पत्ती, अभी फिर इनको चाय पत्ती का लत लगा है। अब 50,000 रुपए किलो वाले चाहिए क्या? क्या कर दे सकता क्या खींचेगा? पीते हैं तो डेली वो यूज़ कर रहे हैं। अच्छा फ्लेवर कैसी है? बहुत बढ़िया टेस्ट है, मतलब इतना एक चुटकी डालो उतना ही में तो गजब का टेस्ट आता है। अच्छा आप लोगों को ना मैं बताऊंगी वो कहाँ मिलती है और उसका नाम क्या है। टी मोमेंट्स में, टी मोमेंट्स से खरीदा था मैंने, अभी नहीं बताएंगे टी मोमेंट्स कहाँ पे, नहीं पता होगा। जो रेगुलर मेरा वो लोग ब्लॉग देखते हैं उनको जरूर पता होगा, तो वहाँ का चाय पत्ती बहुत टेस्टी है। सर तक बढ़िया व्यू था। अच्छा अगली बार कभी आएंगे तो ए सी होटल मत जाना, बहुत ही बढ़िया। वो तो आप बता रहे हैं माता की बात कर रहे बट हमारा, लेकिन लोगों का रिव्यू उसके लिए अच्छा नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिया। मुझे एक कमरे का जो है ना 5,500 रुपए एक दिन का पड़ा है जो रूम लिया है मैंने। डिस्काउंट ना मतलब स्टैंड में चढ़ रहे से गाड़ी ले रहा है एक और की ना फोन कर देगा मगर से तो उतरे ना। हमारा होटल का नाम क्या है? होटल अंडर रूट्स केस ग्रुप का है, बहुत फेमस होटल है पूरा इंडिया में उसका होटल है। बहुत सारे लोग दार्जिलिंग में सोच रहे हैं इतनी डेवलप जगहों का बट काफी ज्यादा डेवलप है, लैंड्स रेस्टोरेंट्स ये शॉप्स मतलब मारुति सुजुकी हर चीज है, मतलब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। अभी हम लोग जाएंगे होटल थोड़ा फ्रेश होंगे उसके बाद मैं निकलूंगी, अगर मैं अभी निकलूंगी तो फिर शूट करूंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी नेक्स्ट व्लॉग में। ये व्लॉग बहुत संभव है सो कीप वॉचिंग गाइस, आगे बहुत बढ़िया बढ़िया व्लॉग आने वाले हैं। होटल इधर है, गजब का चढ़ाई है नहीं चढ़ पाएगा, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, पीछे कर लीजिएगा आराम से, आराम से आराम से। अच्छा चला लेंगे, मतलब इतनी चढ़ाई पे आपकी गाड़ी भी नहीं चढ़ पाई ना, तो कैसे बोलेरो वगैरह कैसे चढ़ गया? वो सब बड़ी गाड़ी है ना, हैवी गाड़ी है, ये लोग ये गाड़ी नहीं चढ़ते, नहीं चढ़ते ना। अच्छा बहुत खतरनाक। स्कूटी चढ़ जाएगा? स्कूटी चढ़ सकता है छोड़ दीजिए भैया यहीं पे साइड कीजिए हम चले जाएंगे। मैं को केवल पैदल देख के आ जाता हूँ पहले वहाँ पे, ठीक है कितनी दूर है ये आपको रनिंग में बोला उनको फोन कर। थैंक यू भैया, बहुत अच्छा लगा मिलके, आप बहुत अच्छा ड्राइव किए। मैं भैया का नंबर शेयर कर दूंगी, अगर आप लोग जब भी दार्जिलिंग आए तो भैया की गाड़ी से जरूर आए। बिल्कुल मोस्ट वेलकम, चलिए भैया क्या चाहिए? चलो तो हम लोग अभी जा रहे हैं अपने होटल में, होटल के कुछ मेंबर हमें रिसीव करने आए यहाँ पे। मेरा ट्रॉली सबको यहाँ पे ठंड लग रही है, सबने स्वेटर जैकेट बट मैं साथा कर रही है। एक्चुअली हम रहते भी ठंडे वाले जगह पे ही है ना, इस वजह से हमें यहाँ पे। हाँ स्लोप वाला तो अभी रात का समय है, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना होटल दिखाए थे। हम लोग आगे अपने होटल में भैया आज मिलेंगे। थैंक यू भैया। साथ है कहाँ आगे अपने डेस्टिनेशन पे? तो ये रिसेप्शन हॉल है। हाँ तो हम लोग आ गए फाइनली अपने होटल और रात के बज गए हैं 10। हम बिल्कुल थक चुके हैं क्योंकि मेरा तो कल से ट्रैवलिंग 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 चल रहा है और साथ ही उधर
इंजॉय कर रहा है, बस वो भी कह रहा है कि मम्मा नींद आ रही है, तो बस हम लोग जा रहे हैं सोने और उसके बाद सुबह उठेंगे, फिर हमारा सुबह सुबह कहाँ जाएंगे? सुबह 9:30 बजे रेडी होना है। अच्छा 9:30 तक हमें रेडी होना है। 9 बजे ही बोला है। अच्छा तो 9 बजे तक रेडी होना है। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी प्लीज़ शेयर कीजिए, बिकॉज मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरा ऑलमोस्ट 500 प्लस सब्सक्राइबर हो गए, व्हाट्सएप भी कंप्लीट होने वाले, थोड़े बहुत और रह गए। तो जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं और जो प्यार करते हैं वो इसी तरीके से मुझे प्यार करते रहे। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए। लव यू गाइज़।